एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी समझाती थी, सत्संगी बेचारी, महाराज पीना उना छोड़िए, मांस मछली खाना छोड़िए, सत्संग को पकड़िए, जीवन का कल्याण होगा। भला वो माने, एक रोज पी करके इधर उधर कहीं चला गया, गांव को लोग पकड़ लिया, गांव के लोग जो पकड़ा तो पिटाई करने लगा, इतना पीटा पूरा शरीर से लहू लुहान। नौजवान का तो छोड़ो मत, क्योंकि भाषण देने में बहादुर है, छोड़ो मत, घुमाओ गांव, ताकि गांव के लोग, समाज के लोग जान जाए कैसे चरित्र के ये, छोड़ो मत। का चलो घुमाने, कोई कहा तो ऐसे क्या घुमाओगे, जब घुमाना है तो गधे पर बैठा, दस युवा बीस युवक है, गधा पर बैठा दिया और मुंह में कालिक चूना पोत दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला पहना दिया, लगे गांव में घुमाने। अब तो नहीं कहेगा झूठे आरोप है, नहीं कहेगा झूठा आरोप, घुमा घुमाने लगा। एक महिला की दृष्टि गई तो दौड़ गई उनके घर पर, उनकी पत्नी कहती, ऐ जी जानकारी मिली का क्या, अरे तुम्हारे पति क्या पी करके कहां गए, नहीं गए, गांव के नौजवान सब पकड़ लिया, इतना पिटाई किया कि लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा, कहता मुंह में कालिक चुना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला दे के घुमा रहा। वो बिचारी दौड़ी, जानती तो थी कि पतित है, एक है पति एक होता पतित, पत्नियों को पिटता है, माँ बहन को, माँ को पिटता है, बहन को पिटता, जेवर बेचता, वह पतित, एक है पति जो सत धर्मा पत्नी को धर्म कर्म में साथ देते हैं, स्वयं धर्म को अपनाते हैं, वह पति वह पति, तो जानती थी कि पति है, फिर भी मोह महाराज बड़ा जबरदस्त। दौड़ी तो कहने वाली जो थी माई, वो कहती अरे कहां दौड़ी जा रही हो, इसी रास्ते होकर के भी आ रहे, इसी रास्ते का आ रहे, रास्ता के बगल में घर, यही रुको। आंगन के बाहर निकल के खड़ी हो गई, दो चार महिला और पहुंच गई, तब तक उस निर्लज पति को लिए आ रहे। घर के सामने जब आया, पत्नी की नजर गई, इतना विभत्स रूप देख करके रोने लग गए, उनकी रोने की आवाज उस निर्लज के कान में जब गई, उलट करके देखता, ओ ये तो घर के सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी रो रही, आ उस पति को सुनी, वहीं से कहता फलनी माँ काने छो कथी ला, पूरा गांव घूम गेल छे और दुए चार घर और बाकी छे, अब काने छो कथी ला। जब आया तो पत्नी मुंह कान को धोती है, कहती है अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में, चौक चढ़ा बलो कितना आदर सत्कार आपको करते, मैं भी जाती थी सहेली सब से बात करने के स्वाभिमान होता था, अब कौन मुंह दिखाने जाऊंगी। निर्लज कहता कि हाँ वो दंड लड़का सब था, दो चार जूता तो चला दिया जरूर, लेकिन बाद में देखी का क्या, गांव वाले हमको कितना इज्जत किए, कहा आपको गांव वाले इज्जत किए, कहा कौन चीज का इज्जत किए, नहीं देखी सब कोई पैदल चल रहे थे, हमारा घोड़ा पर बैठा हुए थे, अब उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता, रास्ता तल में जाएगा तब दम मारेगा, इतना